हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपियन ट्यूटोरियल्स। सो देखो, ऑलरेडी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ये तो सबको पता चल चुका है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कि नहीं, जिनको सीट अलोकेट हो चुकी है उनको कैसे कन्फर्मेशन करना है, जिनको सीट नहीं मिली तो क्या उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं कि नहीं। तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका, अपग्रेडेशन में हमने क्लिक कर दिया तो हो गया कि नहीं, कुछ मार्कशीट अगर अभी नहीं है तो क्या होगी। इन तरीके के सवाल अभी स्टूडेंट्स के मन में। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात है, मैंने खुद मैंने आईएससी को मेल किया था, तो उसकी तरफ से जो मुझे रिप्लाई है मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि उनका रिप्लाई क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज अगर आपका बीएससी थर्ड ईयर का अभी तक मार्कशीट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी उसके लिए सफिशियंट टाइम है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि अभी जो उनका मेल आया है उनका रिस्पॉन्स क्या है, वो क्या है, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट कैसे आपको कंफर्म करना है कि वो हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डियर कैंडिडेट्स, इफ यू फाउंड दैट योर अप्लीकेशन स्टेटस गिविंग ऑप्शन टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इफ यू आर श्योर दैट यू हैव सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स, देन नो नीड टू वरी और काइंडली इंश्योर दैट द डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग इज फिल्ड एंड टेक मार्क इज पुट अगेंस्ट द मिसिंग डॉक्यूमेंट। देखो, अभी क्या है कि अगर आपने इसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे आपको पता है कि वो मैंने किए थे, तो उसको अपलोड नहीं करना है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट अपलोड कर चुके हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन वहां पे वो जो एक ऑप्शन था टिक करने का कि आपके पास क्या क्या चीजें नहीं, आई हैव नो सर्टिफिकेट समथिंग लाइक दिस, जो तीन ऑप्शन लिखे थे उसको आपको टिक करना है कि आपके पास जो भी नहीं उसको टिक करके आगे प्रोसीड कर जाना। अभी क्या है कि जिनको सीट नहीं मिली है उनको अभी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। वो बस क्या करें कि जो टिक मार्क करके आगे बढ़ जाए, ठीक है, प्रोसीड का आगे कर दे और उनको अभी कुछ नहीं करना है। अभी आई नो अभी स्टूडेंट के मन में अभी भी डाउट होगा, तो अभी जो स्टूडेंट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी भी अगर आपको करना हो तो कर दो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो उनका रिप्लाई है कि भाई आपने अगर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए अब वापस से आपको दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब है, बस आपको क्या करना है वहां पे जो टिक मार्क है वो करना है। अब मैं आपको फाइनलाइज दिखाता हूं कि अगर आपने पूरा सबमिट कर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंफर्म हो गया। देखो, मैंने अब चीज ऑलरेडी पहले बताया था कि आपको क्या है वहां पे कि जब आप ये अपग्रेड या एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर रहे होगे तो आपको ऑलरेडी वहां पे क्या गया होगा, मेल गया होगा, ओटीपी गई होगी, उसके बाद ही आपने आगे क्या होगा। पेमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि 21 जून से पहले आपको करना है। डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। अब मैं आपको फाइनलाइज दिखाता हूँ कि बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट स्टेटस क्या, सीट बुकिंग फीस इज रिसीव्ड, आपका जब आप फीस दे दोगे सीट अलॉटमेंट तो आपको यहाँ दिख जाएगा। ऑल्सो पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन ऑफर स्टेटस में क्लियरली लिखा है कि एक्सेप्टेड द ऑफर एंड विल पार्टिसिपेट फॉर अपग्रेडेशन इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो इस तरीके से चीज़ें आपको लिख के आ जाएंगी, ये था फाइनल, ठीक है। अभी क्या है कि अभी भी स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो सी सी एम एन वालों के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाइव सेशन लेने जा रहा हूँ, एक दो लाइव सेशन होगा। अगर आई आई टी जो स्टूडेंट आई आई टी की काउंसलिंग करा रहे हैं उनको भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो आई आई टी स्टूडेंट के लिए जो आई आई टी में इनरोल हो रहे हैं तो उनके लिए हम एक लाइव सेशन ले लेंगे जिसमें हम उनके सारे डाउट्स क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। सो जो भी होगा आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।